Hello students, in the last video, we have studied about the time response analysis. In this video, we will start with the first topic of time response analysis, that is first order system. Okay. Now, first order system, we can realize with the low pass filter. Okay. Suppose I consider the one low pass filter circuit, RC. This is the first order low pass filter. Okay. Input is Vi and output across C is V naught. Okay. So, ये हमारा low pass filter का circuit है. अगर हम इस filter का transfer function calculate कर ले, तो हमें the first order system का transfer function calculate हो जाएगा. Okay. So, ये जो आपका filter का circuit है, इसमें R और C दोनों component present है. Okay. So, हमें पता है कि R और C दोनों की जो units है, वो different होती है. तो हमें सबसे पहले इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए इस सर्किट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा, जिससे R और C दोनों की जो यूनिट्स हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी. सो अगर मैं इस सर्किट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंसीडर करता हूं, तो क्या हो जाएगा आपका Vi का लाप्लास Vis. ओके. R का लाप्लास आपको पता है सेम रहता है, R ही होता है. C का लाप्लास क्या हो जाएगा आपका 1/Cs, एंड C के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा आपका V नॉट S. ठीक है, और V नॉट S ही आपका क्या है, आउटपुट वोल्टेज है. नाउ आपकी R एंड 1/Cs दोनों की जो यूनिट्स है वो आपकी क्या है, सेम है. तो अब अगर मैं वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करूं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ V नॉट, तो आपका V नॉट जो है वो क्या हो जाएगा, आपका जो Vi वोल्टेज है वो 1/Cs एंड R में डिवाइड होगा. तो जो Vi वोल्टेज है जो 1/Cs के अक्रॉस डिवाइड होगा वही क्या होगा आपका, V नॉट होगा. तो क्या हो जाएगा 1/Cs into Vi डिवाइडेड बाय 1/Cs प्लस R. ठीक है ना, जिसके अक्रॉस डिवाइड होने वाला है उस इंपेडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे आप, डिवाइडेड बाय टोटल इंपेडेंस. तो अगर हम इसे सॉल्व कर ले, V0 अपॉन Vi दैट इज आउटपुट लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय इनपुट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या हो जाएगा आपका ट्रांसफर फंक्शन. तो आंसर क्या आ जाएगा 1/1 + RCS. ओके. तो ये आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है, और यही ट्रांसफर फंक्शन जो है आपका वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का भी है. अब आप यहां ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता क्या है बेसिकली. अगर मैं मैथमेटिकल डिफाइन करूं, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही पोल दिखाई देगा, दैट इज जो डिनोमिनेटर का जो पावर एस है वो कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा. ठीक है ना, डिनोमिनेटर का जो ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 1 ही होगा. तो लो पास फिल्टर इज अ एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. ओके. और जो हमने यहां पर लो पास फिल्टर का सर्किट कंसीडर किया है फर्स्ट ऑर्डर का, इसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर का सर्किट है ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत जगह यूज होता है. तो आपको लो पास एंड हाई पास दोनों फिल्टर्स का ट्रांसफर फंक्शन पता होना चाहिए, दोनों फिल्टर्स के जो सर्किट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है. ओके. सो ये हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन आया है इज अ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. ओके. अब अगर मैं इसे कंट्रोल सिस्टम के फॉर्म में डिनोट करूं, तो क्या हो जाएगा, टीएस इज इक्वल टू 1/1 + RC. आरसी आपका क्या होता है, हमें पता है लो पास फिल्टर का जो टाइम कॉन्स्टेंट होता है वो क्या होता है, आरसी. ऑल दो अभी तक हमने टाइम कांस्टेंट को डिफाइन नहीं किया है कंट्रोल सिस्टम में, मैं अगली वीडियो में टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करूंगा, तब आपको इसकी डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी. लेकिन फिलहाल के लिए मैथमेटिकली जो लो पास फिल्टर का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है R इंटू सी. तो अगर मैं R इंटू सी को टाइम कॉन्स्टेंट टाऊ से डिनोट कर दूं, तो लो पास फिल्टर का जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन निकल कर आएगा, या आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर का जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 1/1 + tau s. सो दिस इज द स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. ओके. अब अगर मैं इसे कंट्रोल के फॉर्म में शो करूं, कंट्रोल सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में शो करूं, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, इनपुट इज RS. ओके. देन फॉरवर्ड पाथ गेन, अब अगर मैं इसे यहां पर दे दू 1/tau s, देन आउटपुट इज CS एंड यूनिटी फीडबैक, तो फीडबैक आपका क्या है, 1 है, और मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं नेगेटिव फीडबैक. ओके. सो अब अगर मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन वापस से कैलकुलेट करूं, तो क्या हो जाएगा आपको, आपको पता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला,
क्या होता है, जी अपॉन वन प्लस जी एच फॉर नेगेटिव फीडबैक। तो यहां पर जो एच है वो क्या है आपका, वन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जी अपॉन वन प्लस जी। तो जी क्या है आपका, वन अपॉन टाउ एस, वन प्लस वन अपॉन टाउ एस। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो हमने बेसिकली क्या किया, इस ट्रांसफर फंक्शन को स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और हमने सारी की सारी स्टैंडर्ड चीजें ही कंसीडर की है यहां पर, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है कंट्रोल सिस्टम की। नाउ अब अगर मैं इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स अप्लाई करूं तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह का होगा, ये हम एनालिसिस करते हैं। सो सपोज करिए, अगर मैं फर्स्ट यहां पर इम्पल्स इनपुट अप्लाई करता हूं, इम्पल्स इनपुट, तो हमें पता है इम्पल्स मीन्स डेल्टा टी, और डेल्टा टी का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है आपका, वन होता है। तो जो आपका आर एस है वो क्या हो जाएगा, वन। हमें पता है जो टी एस होता है वो क्या होता है आपका, सी एस अपॉन आर एस, दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये आपका क्या है, वन अपॉन वन प्लस एस टाउ। ओके, नाउ अगर हम लोग आर एस को वन ले ले तो सी एस जो है वो आपका क्या आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एस टाउ। ओके, सो यहां पर अगर हमें अब सी टी कैलकुलेट करना है तो हमें इसका इनवर्स लाप्लास कंसिडर करना होगा। तो मैं इसे थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। सपोज करिए अगर मैं टाउ यहां से कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टाउ प्लस एस। ओके, तो एस प्लस वन अपॉन टाउ। तो अब अगर मैं इसका इनवर्स लाप्लास कंसिडर करूं तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय टाउ जो है आपका कॉमन है, और हमें पता है, मैं साइड में लिख देता हूं आपके लिए फॉर्मूला, कि वन अपॉन एस प्लस ए का जो इनवर्स लाप्लास होता है वो क्या होता है, ई की पावर माइनस ए टी यू टी। ओके, ऑल दो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा है कि आपको लाप्लास के बेसिक्स फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर आपका, ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ यू टी। ओके, सो ये आपका रिस्पॉन्स होता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का वेन यू प्रोवाइड द इम्पल्स इनपुट। ओके, दैट मीन्स वेन आर एस इज वन। ओके, सो ये आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है। अब अगर मैं इसे ड्रॉ कर लू तो सी टी वर्सेस टी का अगर मैं ग्राफ बनाऊ यहां पर, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सी टी है आपका वो यू टी से मल्टीप्लाइड है, दैट मीन्स इसका नेगेटिव पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। हम इसे सिग्नल सिस्टम में भी पढ़ेंगे कि अगर कोई भी सिग्नल यू टी से मल्टीप्लाइड हो तो उसका नेगेटिव पार्ट जीरो होता है, क्योंकि अगर हम यू टी का डायग्राम याद करने की कोशिश करें तो यू टी जो होता है वो जीरो से लेकर टाइम जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। टाइम टी लेस देन जीरो के लिए क्या होता है, यूटी आपका जीरो होता है। तो अगर यूटी टी लेस देन जीरो पर जीरो होगा तो अगर वो यूटी किसी से मल्टीप्लाइड है तो कंप्लीट सिग्नल क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ओके, सो हमारा जो सिग्नल है वो सिर्फ पॉजिटिव साइडेड होगा। नाउ अब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टी की वैल्यू जीरो पुट करूं तो टी की वैल्यू जीरो पर ई की पावर जीरो क्या होता है आपका, वन होता है। तो क्या आ जाएगा आपका, वन अपॉन टाउ। तो दिस इज वन अपॉन टाउ टी इक्वल टू जीरो पर। नाउ दिस इज योर एक्सपोनेंशियल सिग्नल, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। अगर आप टी टेंस टू इंफिनिटी पुट करें तो ई की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है आपका, जीरो होता है। दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ओके, टी टेंस टू इंफिनिटी पर क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये आपका डायग्राम होता है सी टी का वर्सेस टी। ओके, नाउ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इंपल्स रिस्पॉन्स से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी। क्या मेरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम स्टेबल है, ये हम लोग इंपल्स रिस्पॉन्स के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आपका इंपल्स रिस्पॉन्स जो है, दैट इज सी टी जो हमने यहां कैलकुलेट किया है, वो अगर आपका टी टेंस टू प्लस इंफिनिटी एंड टी टेंस टू माइनस इंफिनिटी पर जीरो है, ठीक है ना, जीरो है, अगर एब्सोल्युटली जीरो वैल्यू ही होनी चाहिए, देन आप कह सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है वो स्टेबल है। तो हम लोग यहां पर चेक कर लेते हैं, टी टेंस टू इंफिनिटी पर आप देखिए ये जीरो है, हमने यहां कैलकुलेट भी किया था इक्वेशन से, और टी टेंस टू माइनस इंफिनिटी पर नेगेटिव साइड तो प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव साइड तो जीरो ही है। तो टी टेंस टू प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी दोनों में ही क्या है, ये जीरो है।
सीटी आपका जीरो आ रहा है तो सिस्टम क्या है आपका स्टेबल है. ओके तो इंपल्स रिस्पांस का एक बहुत बड़ा यूज है किसी भी सिस्टम के लिए. इफ इंपल्स रिस्पांस एट टी टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी इज जीरो देन सिस्टम इज स्टेबल. और इसको अगर टेक्निकल टर्म में बोला जाए तो इसे कहा जाता है कि इंपल्स रिस्पांस अगर आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है देन सिस्टम विल बी स्टेबल. ओके क्लियर है पॉइंट. तो ये था हमारा इंपल्स रिस्पांस फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. नाउ अब अगर मैं स्टेप रिस्पांस कंसीडर करूं दैट इज मेरा जो इनपुट है वो स्टेप होगा. अब अगर इनपुट स्टेप होगा तो आरएस क्या हो जाएगा आपका 1/s. ठीक है ना. इनपुट आपका यूटी है तो यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है हमारा 1/s होता है. ओके सो अब अगर मैं इसका फिर से ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू एनालिसिस स्टार्ट करूं तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है हमारा सी एस अपॉन आर एस जो कि आपका इक्वल होता है 1/(1+s tau) के. ओके सो यहां पर आर एस की वैल्यू क्या है आपकी 1 है. सो सी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/(1+s tau). ओके अब हमें यहां पर सी टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा. ओके सो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं यहां पर अगर मैं यहां से टाउ कॉमन ले लू फिर से तो 1/(tau)s, s+(1/tau). ओके नाउ 1/(tau) आपका कॉमन आ जाएगा तो हमें पता है सी एस इज इक्वल टू 1/(tau). ओके अब अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करें फॉर s तो सिंपल तरीका क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन का अगर आप यहां पर s की वैल्यू जीरो पुट कर दे रिमेनिंग टर्म में. ओके सो रिमेनिंग टर्म क्या है आपका 1/(s+1/tau) तो क्या आ जाएगा 1/(1/tau) तो क्या आ जाएगा आपका tau आ जाएगा. ओके तो हमें क्या करना है हमें पहले 1/(tau) को कॉमन ले लेना है. ये आपका आउटसाइड हो गया इसका रोल अब फिनिश हो गया आपका. क्या बचा आपका 1/(s)(s+1/tau) तो अगर आप s के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे s को छोड़कर बाकी रिमेनिंग टर्म में s की जो वैल्यू है वो क्या है जीरो है. जो पोल की वैल्यू है क्या है जीरो है ना आपकी तो आप जीरो पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा. फिर अगर आप अगले टर्म के लिए कैलकुलेट करें जो कि है s+1/tau. ओके तो यहां पर क्या करना है आपको s+1/tau को छोड़कर जो बचा हुआ टर्म है दैट इज 1/(s) उसमें जो s की वैल्यू है वो क्या है -1/(tau). ओके सो क्या आ जाएगा 1/(-1/tau) तो आंसर क्या आ जाएगा -tau. ओके तो यहां पर tau tau आपका क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा. ठीक है तो आपका आंसर क्या आएगा 1/(-1/(s+1/tau). ओके सो योर ct विल बी 1/(s) का क्या हो जाएगा ut माइनस e की पावर माइनस t/(tau) ut. ओके सो ये आपका आ जाएगा ct रिस्पॉन्स और यू कैन से स्टेप रिस्पॉन्स. ओके सो आप ct को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं यहां पर ct इज इक्वल टू 1-e^-t/(tau) ut. ओके नाउ जो आपका ct आया है आप चाहे तो सबसे पहले उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं. तो अगर आप उसे ड्रॉ करते हैं ct वर्सेस t तो क्या हो जाएगा यहां पर आप देखिए यहां से t इक्वल टू जीरो पर कितना आएगा e की पावर जीरो क्या होता है आपका 1 तो 1-1 क्या हो जाएगा जीरो तो t इक्वल टू जीरो पर जीरो है. और t लेस देन जीरो के लिए फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ut से मल्टीप्लाइड है तो वो जीरो ही होगा. तो आपका जो ग्राफ है वो जीरो से स्टार्ट होगा. ओके एम्पलीट्यूड भी क्या है आपका जीरो है. नाउ t टेंड्स टू इंफिनिटी पर देखिए आप e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है जीरो तो क्या बच जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ 1. तो कुछ इस तरह का आपका ग्राफ बनकर रेडी होगा. ओके जो फाइनल वैल्यू होगी जो स्टडी स्टेट वैल्यू होगी जो कि t टेंड्स टू इंफिनिटी पर कैलकुलेट होती है वो क्या होगी आपकी 1 होगी. और जब ये 1 हो जाएगी तो फिर क्या रहेगी आपकी बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहेगी फिर आपकी वैल्यू. ओके सो ये हमारा ग्राफ है फॉर द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. ओके नाउ यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग स्टेप रिस्पॉन्स रैंप रिस्पॉन्स एंड पैराबोलिक रिस्पॉन्स के लिए कैलकुलेट करेंगे दैट इज स्टडी स्टेट एरर. ओके सो स्टडी स्टेट एरर आपकी क्या होती है ये आपको मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं. मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था स्टडी स्टेट एरर होती है आपकी इनपुट कमांड माइनस
रिस्पॉन्स या आउटपुट, मीन्स रिस्पॉन्स क्या है आपका जो आपने अचीव किया है, और जो इनपुट या कमांड था वो क्या थी जो आपने टारगेट सेट किया था, तो टारगेट माइनस जो आपने अचीव किया है एट द स्टडी स्टेट, वही होगी आपकी स्टडी स्टेट एरर। ओके, सो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं आपको, तो स्टडी स्टेट एरर होगी आर टी मीन्स इनपुट माइनस सी टी मीन्स आउटपुट एट टी टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, सो अब अगर मैं पहले सिंपल एरर कैलकुलेट कर लूं यहां से, ओके, तो एरर क्या हो जाएगी आपकी, सिंपल हो जाएगी इनपुट माइनस सी टी। ओके, इनपुट क्या है आपका यूटी है, और जो सी टी है वो आपका ऊपर लिखा हुआ है यहां पर, क्या हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ यूटी। ओके, सो सिंपली जो आपकी एरर है ये क्या हो जाएगी, यूटी और यूटी कैंसिल हो जाएगा आपका, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एरर आ जाएगी ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ यूटी। ओके, पर हमें पता है हमें एरर नहीं कैलकुलेट करनी, हमें स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करनी है। स्टडी स्टेट मीन्स टी टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, सो हम लोग अब क्या करेंगे, टी टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे जिससे हमें स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं टी टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने पर ई की पावर जो माइनस इन्फिनिटी है वो क्या होता है जीरो, तो यहां पर आपकी जो स्टडी स्टेट एरर है वो क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी। तो हम यहां क्लियरली देख सकते हैं इन केस ऑफ स्टेप इनपुट स्टडी स्टेट एरर इज जीरो। इसकी क्या मीनिंग है कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए स्टेप इनपुट बेस्ट इनपुट है। क्यों, जब जो भी आप टारगेट डिसाइड करते हैं वो आप अचीव कर लेते हैं, तभी तो आपकी स्टडी स्टेट एरर क्या आ रही है यहां पर जीरो आ रही है। ओके, सो जितने भी टाइम डोमेन रिलेटेड पैरामीटर्स हैं वो हम स्टेप इनपुट के लिए ही कैलकुलेट करेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। सो फर्स्ट टाइम डोमेन पैरामीटर इज टाइम कॉन्स्टेंट। ओके, सो टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है आपका, अब इसे हम डिफाइन कर देते हैं। टाइम कॉन्स्टेंट इज द टाइम एट विच सिस्टम रीचेस टू द 100% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। ठीक है ना, टाइम कॉन्स्टेंट वो टाइम है जिस पर सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो 100% ऑफ फाइनल वैल्यू पर पहुंच जाता है आइडियली। ठीक है ना, ये आपको समझना होगा। यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं आइडियली, तो आइडियली का क्या मतलब है, पहुंच जाना चाहिए, पर क्या रियल में पहुंच जाता है ये आपको चेक करना है अभी। ओके, तो हम लोग चेक कर लेते हैं यहां पर टाइम कॉन्स्टेंट। हमें पता है कि जो हमारा सी टी है वो क्या है आपका 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ इंटू यू टी। ओके, सो टाइम कॉन्स्टेंट यहां पर क्या है टाउ है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर टी इक्वल टू टाउ पुट करूं तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 यू टाउ। ओके, जो ut है आपका वो टाइम की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1 ही होगा, तो उसका एनालिसिस आपको करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ध्यान से देखें यहां पर आपका क्या जनरेट हो रहा है इक्वेशन 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। ओके, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो यहां पर ये जो ई की पावर माइनस 1 है उसकी वैल्यू जो अप्रोक्स 0.36 आती है, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 जो है उसकी वैल्यू अप्रोक्स आपकी 0.638 समथिंग अराउंड आपकी क्रिएट होती है। ओके, सो यहां पर मैं यहां पर अगर समझूं, अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 0.64 कंसीडर कर लूं, तो आप देख सकते हैं यहां पर जो आपकी स्टडी स्टेट वैल्यू थी या जो आपकी 100% ऑफ फाइनल वैल्यू थी, फिगर से आप चेक कर सकते हैं वो 1 थी। ओके, सी इंफिनिटी आपको क्या मिल रहा था 1 मिल रहा था, दैट मींस स्टडी स्टेट वैल्यू इज 1। नाउ अगर आप यहां पर चेक करें तो आपकी जो वैल्यू अचीव हुई है टी इक्वल टू टाउ पर वो अप्रोक्सीमेटली 64% ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू अचीव हुई है आपकी। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टी इक्वल टू टाउ पर आप 100% ऑफ फाइनल वैल्यू तक नहीं रीच कर पा रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ 64% अप्रोक्स रीच कर पा रहे हो। इसकी क्या मीनिंग है कि जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है आपका वो वेरी वेरी स्लो रिस्पॉन्स आपको दे रहा है। ओके, सो टाइम कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 100% ऑफ फाइनल वैल्यू, बट मैंने क्या लिखा है यहां पर आइडियली पहुंच जाना चाहिए लेकिन पहुंचता नहीं है वो। ओके, क्लियर है पॉइंट। नाउ नेक्स्ट जो हमें पैरामीटर कैलकुलेट करना है या जो डेफिनेशन हमें देखनी है वो है आपकी डिले टाइम।
तो डिले टाइम आपका क्या होता है? डिले टाइम इज द टाइम एट विच रिस्पॉन्स रीचेस टू द 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू. ठीक है, तो आपको 50% के लिए यहां पर अब कैलकुलेट करना है. ओके, सो हमें पता है फिर से सीटी क्या है आपका, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ यू टी. ओके, अब अगर हमें 50% ऑफ फाइनल वैल्यू देखना है तो वो टाइम आपका क्या होगा, डिले टाइम होगा. तो सी ऑफ टी डी कितना होना चाहिए आपका, 50%. हमें पता है 100% ऑफ फाइनल वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का 50% क्या होगा, 0.5 होगा ना. तो कितना हो जाएगा, 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डी अपॉन टाउ. आपको पता है यूटी क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 1 ही होगा. ओके, नाउ इसको अगर हम सॉल्व करें तो ई की पावर माइनस टी डी अपॉन टाउ. ओके, यहां पर कितना आ जाएगा आपका इक्वेशन, देख सकते हैं आप, ये कितना हो जाएगा, 0.5. नाउ हमें अगर इसे सॉल्व करना है, ई की पावर को अगर रिमूव करना है, तो हमें राइट हैंड साइड में एलएन लेना होगा, लॉग ई लेना होगा. तो टी डी अपॉन टाउ क्या हो जाएगा आपका, एलएन 0.5 हो जाएगा. ओके, माइनस साइन यहां आपका प्रेजेंट रहेगा. नाउ अगर हम इसे सॉल्व कर लें, एलएन 0.5 की वैल्यू कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें और टीडी की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो टीडी की वैल्यू जो आपकी निकल कर आती है वो आती है 0.693 टाउ. ओके, सो दिस इज योर डिले टाइम, 0.693 टाउ. आप देख सकते हैं जो डिले टाइम है वो आपका टाउ पर डिपेंड कर रहा है. किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको टाउ की वैल्यू नोन है तो यू कैन इजिली डिटरमाइन द डिले टाइम. ओके, नाउ नेक्स्ट पैरामीटर जो हमें कैलकुलेट करना होता है वो कैलकुलेट करना होता है राइज टाइम. राइज टाइम आपका क्या होता है, राइज टाइम इज द टाइम एट विच रिस्पॉन्स रीचेस टू 10% टू 90% ऑफ द फाइनल वैल्यू. ओके, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग ये है, सपोज करिए मैं 10% रीच कर रहा हूं 9 o'clock पे, 90% रीच कर रहा हूं 9:30 पर. ठीक है ना, तो टोटल डिफरेंस क्या हो गया, 30 मिनट्स का डिफरेंट हो गया ना. तो यही है आपका राइज टाइम. आपको ये चेक करना है कि जो आपका आउटपुट सीटी है वो 10% ऑफ फाइनल वैल्यू दैट इज 0.1 पे कब पहुंच रहा है, और 90% ऑफ फाइनल वैल्यू दैट इज 0.9 पर कब पहुंच रहा है. आप दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, दोनों टाइम्स का, आपकी कैलकुलेट हो जाएगा राइज टाइम. ओके, सो यहां पर अगर मैं 10% के लिए कैलकुलेट करूं और उसको नाम दे दूं T1, तो कितना हो जाएगा आपका, 0.1 हो जाएगा. 10% ऑफ फाइनल वैल्यू, 1 का 10% क्या होता है, 0.1 होता है, 1 माइनस ई की पावर माइनस T1 अपॉन टाउ. नाउ अब अगर मैं 90% के लिए देखूं तो T2 नाम दे रहा हूं टाइम को मैं, तो 0.9, 1 माइनस ई की पावर माइनस T2 अपॉन टाउ. ओके, तो अब हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इन चीजों को. ठीक है ना, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को यहां पे सॉल्व करें, सिमिलरली जैसे हमने डिले टाइम के लिए सॉल्व किया था, हम पहले क्या करेंगे, ई की पावर को रिमूव करने के लिए एलएन ले लेंगे, देन वी कैन इजिली कैलकुलेट. ओके, सो हम दोनों काम कर लेने के बाद जब हम लोग राइज टाइम कैलकुलेट करेंगे, सो राइज टाइम क्या होगा आपका, T2 माइनस T1, 90% पे जब रीच हुआ था और 10% पे जब रीच हुआ था. ठीक है, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.2 टाउ अप्रोक्सीमेटली. ठीक है ना, ये आपके लिए टास्क है, आपको अपने आप से कैलकुलेशन करना है, एलएन लेना है दोनों इक्वेशंस में, और आपको T1 एंड T2 सेपरेटली कैलकुलेट करना है, देन T2 माइनस T1 की वैल्यू आपको निकाल लेनी है. अप्रोक्सीमेटली आपकी आएगी 2.2 टाउ. ओके, आप चाहें तो सेपरेटली T1 एंड T2 की वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हैं. ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. ओके, सो ये होता है आपका राइज टाइम. नाउ आप यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझिएगा, हम लोग यहां पर जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसे हमने रियलाइज कैसे किया है, वाया यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर. ओके, और हमने यहां पर क्या पढ़ा था कि जो फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर है उसके लिए जो टाउ की वैल्यू है वो कितनी है आपकी, आरसी है. ओके, एंड एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप एनालॉग सर्किट या
नेटवर्क थ्योरी में पढ़ेंगे कि अगर फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर आपको गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, तो उसकी बैंडविड्थ जो होती है वो होती है 1/2 πRC इन हर्ट्स। ओके, तो आपको ये कंसेप्ट मे भी अभी पता ना हो, आप डिफरेंट सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, लेकिन हम इस कंसेप्ट को यहां पर यूज कर सकते हैं। इस कंसेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आया हुआ है कंट्रोल सिस्टम पे। ओके, तो हम लोग यहां ध्यान से देखते हैं, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1/2 πRC, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 πτ। ओके, अब हमें पता है राइज टाइम क्या होता है, 2.2 × τ होता है। ओके, सो अगर मैं राइज टाइम के फॉर्मूले में टाउ की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं, तो आप देख सकते हैं टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ आपका इस तरफ चला जाएगा, तो क्या आ जाएगी 1/2 π बैंडविड्थ। ओके, तो यह आ जाएगा 2π × बैंडविड्थ हो जाएगा आपका। नाउ अब अगर आप कैलकुलेटर से 2.2/2π कैलकुलेट करें, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपकी आती है 0.35। सो राइज टाइम इज इक्वल टू 0.35/ बैंडविड्थ। नेक्स्ट पैरामीटर इज सेटलिंग टाइम। सो सेटलिंग टाइम TS क्या होती है, डेफिनेशन आपकी सेटलिंग टाइम की, सेटलिंग टाइम इज द टाइम एट विच रिस्पॉन्स रीचेस टू 100% ऑफ फाइनल वैल्यू और रिस्पॉन्स रीचेस टू स्टडी स्टेट वैल्यू। एक्चुअली हमने टाउ में क्या कहा था, आइडली, यहां पर एक्चुअली रिस्पॉन्स रीचेस टू द स्टडी स्टेट वैल्यू इज कॉल्ड सेटलिंग टाइम। ओके, सो 100% ऑफ फाइनल वैल्यू, ओके, यू कैन से स्टडी स्टेट वैल्यू। ओके, सो हम लोगों को सीटी का फॉर्मूला पता है, सीटी इज इक्वल टू 1 − e^−t/τ(ut). ओके, सो व्हेन यू पुट टी इज इक्वल टू TS, देन CTS विल बी 100% ऑफ द फाइनल वैल्यू, सो 1 − e^−TS/τ। सो हियर 1 विल कैंसल एंड e^−TS/τ = 0। सो e^ हम लोग क्या पुट करें कि आंसर 0 आ जाए, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी जो TS की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी इंफिनिटी हो जाएगी। ओके, सो सेटलिंग टाइम यहां पर आपका अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। ओके, बट एक्चुअल में आप सोचिए सेटलिंग टाइम है क्या। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि जब आप स्टडी स्टेट पे पहुंच जाते हैं, दैट मीन्स आप स्टेबल हो जाते हैं। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि आपको स्टेबल होने के लिए इन्फिनिटी टाइम लग रहा है, दैट मीन्स आप कभी स्टेबल हो ही नहीं रहे हैं। ओके, इसका मतलब अगर आप 100% ऑफ फाइनल वैल्यू रीच करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी स्टेबल हो ही नहीं पाएंगे, आपका सिस्टम हमेशा क्या रहेगा, अनस्टेबल ही रहेगा। तो ये कैलकुलेशन अगर आप थ्योरिकली बोले तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या ऑप्शंस है हमारे पास, ये हम देखते हैं। ओके, सो हम एक एनालिसिस यहां पर कंसिडर करते हैं। सपोज करिए आपका जो सीटी है आपको पता है 1 − e^−t/τ है, UT जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ T के लिए 1 रहेगा, तो मैं इसे नेग्लेक्ट कर रहा हूं। हमने यहां पर C ऑफ tau कैलकुलेट कर लिया है, अप्रोक्स आपका 0.64 आया था। ओके, जब हम tau की डेफिनेशन देख रहे थे। नाउ अब अगर हम यहां पर C ऑफ 3 τ कैलकुलेट करें, ओके, 3 τ पे, 3 τ की मीनिंग क्या होगी, 1 − e^−3। ओके, e की वैल्यू जब आप 3 τ पुट करेंगे, τ कैंसिल हो जाएगा, e^−3। ये अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर है अप्रोक्सीमेटली वो आता है 0.95। ओके, इसकी मीनिंग क्या है कि अगर आप 3 τ जितना टाइम आप पास कर लेते हैं या 3 τ जितना टाइम अगर आप यूज कर लेते हैं तो आप 95% ऑफ फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि फाइनल वैल्यू हमारी क्या है, 1 है, और 0.95 क्या होगा, 95% ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू और फाइनल वैल्यू। नाउ अब अगर मैं 4 τ कंसीडर करूं, सी ऑफ 4 τ, तो क्या हो जाएगा, 1 − e^−4। अगेन वाया कैलकुलेटर आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 0.98, विच इज 98% ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू। नाउ एक और कैलकुलेशन अगर मैं करूं, सी ऑफ 5 τ, विच इज 1 − e^−5, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.99,
you can say 99% of steady state value. Okay, so इस analysis को मैं फिर से repeat कर रहा हूं. हमने यहां पर major 3 calculation किए हैं, C of 3 tau, C of 4 tau and C of 5 tau. Okay, CT का formula हमें पता है. जब इस formula में हम T की value 3 tau, 4 tau या 5 tau put करेंगे, तो हमें यहां पर calculation करना बहुत easy हो जाएगा. Okay, बस हमें calculator का use करना है. तो हम calculator से 1 minus E की power minus 3 और 1 minus E की power minus 4 और 1 minus E की power minus 5 calculate कर सकते हैं. Okay, so values आपको मिल रही है क्या-क्या? T equal to 3 tau पर value क्या मिल रही है? 0.95, that is 95% of final value. 4 tau पे क्या मिल रही है? 98% and 5 tau पे 99%. तो अब आपको पिछली स्लाइड में फिर से देखना है और ये समझना है कि जब आप 100% of final value अचीव करने की कोशिश करते हैं तो settling time जो है वो infinity आ जाता है. लेकिन अगर आप 1%, 2% या 5% टॉलरेंस लेवल को एक्सेप्ट कर लें, एरर को अगर आप एक्सेप्ट कर लें, तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 टाउ, 4 टाउ या 3 टाउ जितने टाइम पर ही फाइनल वैल्यू पर पहुंच जाते हैं. ऑब्वियसली बात है, टाउ आपकी एक फाइनाइट वैल्यू होगी, बहुत स्मॉल वैल्यू होगी, तो 3 टाउ, 4 टाउ एंड 5 टाउ भी आपकी बहुत स्मॉल वैल्यूज होंगी. ओके, सो इसकी मीनिंग क्या है कि अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें अपनी फाइनल वैल्यू से, तो आप एक फाइनाइट टाइम पर स्टेबल हो सकते हैं. ओके, क्योंकि इंफिनिटी का मतलब यही है कि आप कभी स्टेबल होंगे ही नहीं. तो इससे बेटर क्या है कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए. ओके, सपोज करिए अगर आप सोचते हैं कि आपकी जब 1 लाख पर मंथ की जॉब लगेगी तभी आप जॉब एक्सेप्ट करेंगे. ओके, तो क्या अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है साल दर साल, तो क्या आप उस चीज का इंतजार करते रहेंगे कि अगर आपको कोई 95,000 पर मंथ की जॉब लग जाए तो उसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे? ऑब्वियसली बात है, आप 95,000 पर मंथ की जॉब एक्सेप्ट कर लेंगे अगर आपको पता चल जाए कि 1 लाख की जॉब अब आपकी कभी नहीं लगने वाली है. इन्फिनिटी टाइम लग जाएगा 1 लाख की जॉब लगने में. इन्फिनिटी का मतलब क्या है, आप बूढ़े हो जाएंगे फिर भी आपकी जॉब नहीं लग पाएगी. ओके, सो इससे बेटर क्या होगा कि आप 2000, 1000 या 5000 पर मंथ से आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे अगर वो पॉसिबल होगा तो. जैसा कि यहां पर पॉसिबल है कि अगर आप 3 टाउ, 4 टाउ या 5 टाउ टाइम कंसीडर करते हैं तो एरर क्या है, कॉम्प्रोमाइज कितना करना पड़ेगा, सिर्फ 5% और 2% और 1% से. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर. इसलिए जो सेटलिंग टाइम की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है TS इज इक्वल टू 3 tau विथ 5% टॉलरेंस और एरर, 4 tau विथ 2% टॉलरेंस और एरर, और 5 tau विथ 1% टॉलरेंस और एरर. ओके, सो एग्जाम में सेटलिंग टाइम का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. सपोज करो आपको बोलेगा सेटलिंग टाइम कैलकुलेट करो विथ 1% टॉलरेंस, मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 5 टाउ वाला. अगर आपको बोलता है विथ 5% टॉलरेंस तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 3 टाउ वाला. ओके, सो इस तरह से आप सेटलिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 100% ऑफ फाइनल वैल्यू तक गए तो आप कभी स्टेबल नहीं हो पाएंगे. ओके, सो ये होता है आपका सेटलिंग टाइम का कैलकुलेशन. ओके, सो इतने होते हैं हमारे टाइम डोमेन रिलेटेड पैरामीटर्स के कैलकुलेशन, लाइक सेटलिंग टाइम, लाइक राइज टाइम, लाइक डिले टाइम, लाइक टाइम कांस्टेंट. ओके, और ये सारे पैरामीटर हमने किस इनपुट के लिए कैलकुलेट किए हैं ये आपको ध्यान रखना होगा. हमने किए हैं स्टेप इनपुट के लिए. कल को अगर क्वेश्चन में रैंप इनपुट आ जाए तो आप ये फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते हैं. ओके, सो आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, स्टेप इनपुट के लिए हमने ये पैरामीटर कैलकुलेट किए हैं. और क्यों किए हैं, क्योंकि हमने देखा था कि स्टेप इनपुट के लिए स्टडी स्टेट एरर जो थी आपकी वो क्या आई थी, जीरो आई थी. जीरो आई थी इसका मतलब हमने जो टारगेट सोचा था वो हमने अचीव कर लिया था. दैट्स व्हाई स्टेप इनपुट इज द बेस्ट इनपुट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. ओके, सो ये हमारा एनालिसिस था आज स्टेप इनपुट के ऊपर. नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे रैंप इनपुट एंड पैराबोलिक इनपुट के ऊपर. ओके, और हम लोग ये भी कंपेयर करेंगे कि किस तरह से स्टेप इनपुट इनसे सुपीरियर है. ओके, गुड बाय.